नमस्कार सभी को। आज का जो पहला पाठ है संस्कृत का, भाषा लैंग्वेज, वो शुरू करने वाले हैं हम लोग। लेकिन वो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं कोई संस्कृत की अध्यापिका नहीं हूँ, मैं कोई सर्टिफाइड एजुकेटर नहीं हूँ। मैं सिर्फ इस चैनल में या इस वीडियो में मैं वही सब चीज़ें आपको बताऊँगी जो मैं खुद सीख रही हूँ, जो मैंने सीखा है वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। अगर आपको इससे कुछ भी फ़ायदा होता है तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होगी। तो मैं खुद भी सीख रही हूँ, जैसे कि बोलते हैं ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो जो ज्ञान मैंने प्राप्त किया है वो मैं बांट के दूसरे लोगों तक पहुँचाना चाहती हूँ। तो शुरू करते हैं। तो पहला जो है वो है भाषा, पाठ पहला है जो भाषा, जिसमें हम संस्कृत की वर्णमाला के बारे में जानेंगे। संस्कृत जो है वो सबसे पुरानी भाषा है और इसकी जो लिपि है वो है देवनागरी। संस्कृत की भाषा की वर्णमाला पढ़ने से पहले ये जानते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं। जो भाषा की जो सबसे छोटी ध्वनि होती है, जिसके टुकड़े और नहीं किए जा सकते, मतलब जिसको आप और छोटा नहीं कर सकते, उसको वर्ण कहते हैं। तो संस्कृत की वर्णमाला जो है उसमें वर्ण तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन और तीसरा होता है अयोगवाह। देखिए क्या होता है ना, बुक में जो है बड़ी थोड़ी डिफ़िकल्ट लैंग्वेज होती है और बड़ी बुकिश लैंग्वेज होती है, तो मैं ये वीडियो आपको सरल शब्दों में आसान तरीके से समझाने का कोशिश करूँगी जो सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं स्वर। तो बेसिकली संस्कृत में 13 स्वर होते हैं। अब स्वर होते क्या हैं? जिन वर्णों को बोलने के लिए आपको दूसरे किसी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, मतलब आप उन्हें इंडिपेंडेंटली बोल सकते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं। 13 होते हैं, 13 होते हैं ये, जैसे कि आप देख सकते हैं, छोटा आ है, बड़ा आ है, छोटी ई, बड़ी ई, उ, बड़ा उ, री, फिर री है, ल है, ए ऐ ओ औ हैं, ये सारे स्वर हैं। ठीक है, अब स्वरों को भी 3 भाग में बांटा गया है। एक है ह्रस्व स्वर, एक है दीर्घ स्वर, एक है प्लुत स्वर। तो हम जानेंगे कि ह्रस्व स्वर क्या होता है। तो जो भी स्वर है उनको बोलने में जब बहुत ही कम टाइम लगता है उसको ह्रस्व स्वर बोलते हैं, बहुत ही कम समय लेते हैं, जैसे कि छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, छोटा वाला री और ल, ये 5 होते हैं। उसका दूसरा भाग है कि दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर जो होते हैं उनको ह्रस्व के मुकाबले बोलने में डबल टाइम लगता है। तो ये जो होते हैं ये 8 होते हैं, जो बड़ा आ है, बड़ी ई है, बड़ा ऊ है, बड़ा री है, फिर ए है, ऐ है, ओ है और औ है। फिर हम लोग आते हैं लृ जो स्वर है उसका इतना आजकल का चलन नहीं है, अभी वो इतना इस्तेमाल में नहीं आता है। फिर हम आते हैं प्लुत स्वर पे। प्लुत स्वर में अगर आप समझेंगे तो प्लुत स्वर का भी ज़्यादा इस्तेमाल यहाँ नहीं होता है, उसमें सिर्फ एक ओम शब्द है जिसमें इस स्वर का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें आप बहुत एक लंबा उच्चारण लेते हैं, ओम उसका एग्जाम्पल है। उसके बाद हम आते हैं व्यंजन पे। तो व्यंजन 33 या 33 होते हैं। तो व्यंजन होते क्या हैं? जिन वर्णों को बोलने के लिए या उच्चारण करने के लिए आपको स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, जब क आप लिखते हैं तो अभी क अधूरा है, उसमें हलंत लगा हुआ है, हलंत लगा हुआ मतलब आधा है। जब इसमें आप अ जोड़ेंगे, छोटा अ, अ जो कि है एक स्वर, तो जब क में आप छोटा आ जोड़ेंगे तब ये क पूरा क बनेगा। तो ये एक एग्जाम्पल है जिसे आप समझ सकते हैं कि व्यंजन जो होते हैं वो अधूरे होते हैं, उनको बोलने के लिए आपको स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, तब जाके वो पूरे बनते हैं। व्यंजनों को भी 3 श्रेणी में बांटा गया है, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। तो अगर हम लोग पहले आते हैं स्पर्श व्यंजन में, क से लेके म तक जो होते हैं वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इनके भी 5 वर्ग होते हैं, हर वर्ग में फिर 5 वर्ण होते हैं। और जो इनको जो जैसे आपने ये चार्ट देख रहे हैं, ये वर्ग आपने देखा, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, और इनके सारे जो हर एक वर्ग के जो जो व्यंजन हैं वो आप देख रहे हो, और सबके नीचे हलंत लगा है ये भी आप देख रहे हो, और इनका नाम भी इनके पहले अक्षर से इनको नाम दिया गया है। ये टोटल आपके 25 या 25 होते हैं। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक की समझ में आ गया होगा। मैं कोशिश करूँगी कि मैं ईजीली ये समझाऊँ। उसके बाद आते हैं अंतस्थ व्यंजन पे। तो अंतस्थ जो होते हैं आपके, आपने देखा होगा वर्णमाला में, य र ल व जो है वो अंतस्थ में आते हैं।
ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन जो होता है श श स ह बोलते हैं, जो मुंह से बोलते समय जो ऊष्मा गर्मी निकलती है तो वो वाले व्यंजन को ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। फिर एक दूसरा भी होता है संयुक्त व्यंजन, जो कि ना दो दो स्व दो व्यंजनों को जोड़कर जो बनते हैं उनको हम लोग बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल्स भी दे रखे हैं, जैसे ये क है और उसमें आप षटकोण वाला श जब जोड़ेंगे तो एक नया व्यंजन तैयार होगा जो कि है क्षत्रिय वाला छ, और उससे वहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। वैसे त में जब र जोड़ेंगे तो त्र बनेगा, ज में जब न्य जोड़ेंगे तो ज्ञ बनेगा, द में य जोड़ेंगे तो द्य बनेगा, जब हम विद्या उद्यम ऐसे बोलते हैं, श में रोज र जोड़ने पर श्र बनेगा। और फिर जो इसका व्यंजन का थर्ड पार्ट है अयोगवाह, इसके भी दो पार्ट होते हैं, एक है अनुस्वार एक है विसर्ग। अनुस्वार जैसा आपको पता है कि हम लोग जो हम लोग पढ़ते थे छोटा बड़ा तो अंग की बिंदी जो लगाते थे वो होता है अनुस्वार, और विसर्ग जो हम लोग वर्ड के लास्ट में दो ऐसा सिंबल लगाते हैं विसर्ग, तो ये जो उसका साउंड ह की तरह आता है, जैसे कि प्रातः पुनः ऐसे हम लोग बोलते हैं ना प्रातः पुनः, तब ह साउंड आता है। तो विसर्ग का जहाँ पे प्रयोग होगा वहाँ पे बाद में आपको ह साउंड सुनाई देगा, ठीक है। तो आप ये सारे देख रहे हो कि ये जितने भी लेटर्स ये जितने भी व्यंजन ये अभी अधूरे हैं, इनमें जब कोई भी ये स्वर जब मिलता है तब वो पूरे होते हैं। जैसे छोटा आ बना तो ये क में छोटा आ है तो ये क बना, अब ये क में छोटी ई बनी तो इसमें की मात्रा जुड़ गई, ये आप इस तरह से देख सकते हो। जैसे मैंने पहले भी बताया कि जो स्वर ल है उसका प्रयोग अब समाप्त हो गया है, अब आपको शायद ही कहीं कहीं पे देखने को मिले या ना देखने को मिले। फिर आते हैं वर्ण विच्छेद, वर्णों को विच्छेद कैसे करते हैं, तो आप देखा होगा कि कुछ जो वर्ण होते हैं जो शब्द होते हैं, शब्द होते हैं जब वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, और जब इन्हीं को हमें अलग अलग करना होता है तो उसको हम वर्ण विच्छेद बोलते हैं। तो वर्ण और एक चीज जो वर्ण विच्छेद करते हैं, तो जब वर्ण विच्छेद करने के बाद लास्ट में जो स्वर आता है उस शब्द को उसी का नाम दिया जाता है। मैं फिर से बोलूंगी, शब्द जो बनते हैं वो वर्णों के मेल से बनते हैं, इन्हीं शब्द को जब हम अलग अलग करते हैं तो उसको वर्ण विच्छेद बोलते हैं। उस शब्द को क्या नाम दिया जाएगा वो इस पर डिपेंड करता है कि वर्ण विच्छेद करने में लास्ट में कौन सा स्वर आया, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग कोई शब्द को वर्ण विच्छेद कर रहे हैं और उसके अंत में अगर छोटा अ आता है तो हम उसको अकारांत शब्द बोलते हैं, अगर वर्ण विच्छेद करने पर छोटी ई आती है तो हम उसे इकारांत बोलते हैं, और अगर वर्ण विच्छेद करने पर उ आता है तो हम लोग उकारांत बोलते हैं। जैसे मैं कुछ आपको एग्जाम्पल दिखाऊंगी तो आपको समझ में आएगा। जैसे कि समझ लीजिए यहाँ पे राम शब्द है, तो इसका वर्ण विच्छेद हम लोग करेंगे तो र में हलंत, क्योंकि अभी अकेला है व्यंजन है ओनली, र में हलंत है प्लस बड़ा आ क्योंकि र में आ की मात्रा लगी है तो बड़ा आ, फिर म क्योंकि म खाली है तो उसमें हलंत लगा है। अब लेकिन म क्योंकि यहाँ पे म की स्पेलिंग इस तरह से है, इसमें मतलब ये लेटर पूरा है तो इसमें व्यंजन है ये म, और आपको पता है व्यंजन पूरा कब होता है जब उसमें एक स्वर जुड़ता है, तो जिसमें कोई मात्रा नहीं होती उसमें ऑटोमेटिकली छोटा आ जुड़ा होता है। तो इस राम शब्द का वर्ण विच्छेद हुआ र प्लस आ प्लस म प्लस अ, तो ये खत्म किस पे हुआ, छोटे आ पे खत्म हुआ, इसीलिए इस वर्ड को हम लोग बोलेंगे अकारांत वर्ड, मतलब राम शब्द जो है वो एक अकारांत शब्द है। उसी तरह से मैं दूसरा एग्जांपल दिखाती हूँ आपको, यह है पूजा शब्द है पूजा, तो इसका वर्ण विच्छेद करेंगे हम, पहले है प, प में क्योंकि बड़े उ की मात्रा लगी तो बड़ा उ, फिर ज में आ की मात्रा लगी है तो आ, तो इसका वर्ण विच्छेद हुआ प प्लस बड़ा उ प्लस ज प्लस आ, तो ये हो गया पूजा। अब क्योंकि ये शब्द खत्म हुआ है हमारा बड़ा आ पे तो हम लोग पूजा शब्द को क्या बोलेंगे, आकारांत शब्द, आकारांत शब्द। उसी तरह से एक और दिखाती हूँ, सखी, सखी शब्द का वर्ण विच्छेद है स प्लस अ प्लस ख प्लस बड़ी ई, अब ये वर्ड खत्म हो रहा है हम लोगों का बड़ी ई पे इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे ईकारांत शब्द, ईकारांत शब्द। एक और दिखाती हूँ आपको मैं, राजन शब्द, राजन, ठीक है, राजन शब्द में नीचे की तरफ क्या आया है, हलंत लास्ट में, तो र प्लस बड़ा आ ज प्लस छोटा आ
न, क्योंकि ऑलरेडी ये न अगर लगा, न में हलंत लगा, इसका मतलब ये अभी अधूरा, ये आधा है, आधा दिखाने के लिए। अब इसके बाद अगर कोई लेटर होता तो हम लोग, अगर आगे कुछ लेटर होता तो हम लोग आधा ना इस तरह से भी दिखा सकते थे, अगर यहाँ पे कुछ ऐसे अन्य या कुछ लिखा होता तो हम लोग इस तरह से दिखा सकते थे, लेकिन क्योंकि ये ख़त्म ही हो रहा है राजन पे, तो इसको आधा दिखाना है, तो हलंत लगाया गया यहाँ पे। ठीक है, तो जब ये ऐसे वाले वर्ड्स होते हैं जो ऐसे हलंत वाले लेटर पे ख़त्म होते हैं, तो ये वाले शब्दों को आप हलंत वाली कैटेगरी में ले जाएंगे। तो मैंने आपको दिखाया अकारांत, आकारांत, ईकारांत, हलंत। ऐसे ही बाकी के भी हैं, उकारांत, ऊकारांत, ऋकारांत, इस तरह से। तो जब वर्ण विच्छेद करते हैं और जिस भी स्वर पे वो ख़त्म होता है, तो वो वाले शब्द को उसी वैसा ही नाम देते हैं, उसी हिसाब से नाम देते हैं। आपको अगर ये डाउट है कि अगर कोई भी लास्ट में कोई मात्रा नहीं आती है, तो ऑब्वियस बात है वो लेटर जो है वो अस्वर पे ख़त्म ही होगा। अगर लास्ट वाले लेटर पे कोई मात्रा नहीं है तो फिर वो अस्वर पे ख़त्म होगा, और जब मात्रा है, जैसे कि अभी बालक है, इसमें भी ये स्वर आ रहा है अ, और साथ में एक विसर्ग का चिन्ह भी है। ठीक है, और वैसे जैसे यहाँ पे छोटी की भी मात्रा पे वर्ड ख़त्म हुआ, तो ये छोटी वाला तो इकारांत हुआ, ये बड़ी की मात्रा पे ख़त्म हुआ तो ईकारांत हुआ, ये री पे ख़त्म हुआ तो रिकारांत हुआ, ये बड़े ऊ पे ख़त्म हुआ तो ऊकारांत हुआ, ऐसे करके। तो ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा ठीक से, जितना मुझे समझ में आया था अपनी 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 जो मैंने क्लास की, जो मैंने समझा वो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। आई होप आपको समझ में आया होगा, और शायद हो सकता है आपके लिए ये वीडियो कुछ हेल्पफुल रहे। जब मैं वीडियो बना रही हूँ आप तो ये देख भी रहे हैं, बुक में जो भी कुछ लिखा है, तो आप इसके स्क्रीनशॉट लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि संस्कृत लैंग्वेज ऐसी ही है, जब आप इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तभी आप जान पाएंगे, समझ पाएंगे। और फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लिंग के बारे में बताऊंगी, जो संस्कृत के जो जेंडर्स होते हैं, लिंग होते हैं, उसके बारे में आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, टेक केयर, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।